चलिए मैं लौट आया हूँ, यानी कि मैं तलत अजीज कारवाने गजल प्रोग्राम में और 92.7 बिग एफएम पर सिर्फ आप मेरे साथ। आप जानते हैं कि कविता सेठ जी हैं। कविता जी, आपका जो नया एल्बम अभी अभी हमने जिसकी थोड़ी सी एक झलक हमारे सुनने वालों को सुनाई, आपके बेटे ने इसमें कनिष्ठ जो बैठे हैं यहाँ पर उसमें एक मॉडर्न कंटेम्प्रेरी साउंड दिया है, बहुत अच्छी बात है। तो इस एल्बम के बारे में आपसे मैं और बात करना चाहूँगा कि इसमें और क्या क्या आपने इसमें मैंने रंग रखा है, जो उसकी भी बड़ी अच्छी स्टोरी है कि जब वो हजरत अमीर खुसरो उनसे मिलते हैं ना, निज़ामुद्दीन औलिया उनके पीर जो थे, उनके यहाँ जब मिलने जाते हैं अपनी माँ के साथ, तो उस वक्त होली का दिन था शायद, और उन्हें लगा जब पहली बार मिलते हैं, मैंने ऐसा जी, सुना था उनसे, उनको लगा कि यही मतलब इस इन्हीं की तलाश थी, और आज मैं उनसे मिल गया। तब अचानक ही उनसे जब उनकी आँखें मिली निज़ामुद्दीन औलिया साहब से, जब उनकी नज़रें टकराई तो बस वो दीवाने हो गए, बिल्कुल दीवानगी में, और उन्होंने ये शुरू कर दिया था कि आज रंग है मेरे महबूब के घर रंग है रे, उन्होंने ये स्टार्ट किया था। ये मुझे बड़ी खूबसूरत स्टोरी, मैं गई थी जब इस एल्बम के पीछे काम कर रही थी, तो मैं वहाँ दरगाह पर गई और उस सारी बहुत सारी स्टोरीज कलेक्ट की कि क्या क्या पीछे इसके था, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली। और हमने ये सॉन्ग रखा है, एक मन कबत रखी है, मन कुन तो मौला। अच्छा, मैं हमारे सुनने वालों को बता दूँ कि आपने सुना होगा बहुत बहुत बार मन कुन तो मौला, ये मनकबत है। मनकबत का मतलब हजरत अली की शान में जो भी लिखा गया वो मनकबत है। हम जैसा कि अल्लाह ताला की शान में वो हम्द होता है, और जैसे मनकबत हजरत अली की शान में जो भी, तो ये मन कुन तो मौला मनकबत है। अब मैं कनिष्ठ से बात करना चाहूंगा, 18 साल के हमारे नौजवान बैठे हैं, तो आप ये बताइए कि आप अपनी वालदा के साथ ये काम, आपने ये जो प्रोग्रामिंग की, तो आपके मन में, आपके दिल में या आपके जहन में क्या बातें आई, और आपने ये क्यों चुना कि एक्चुअली एक्सीडेंट ही था एक तरीके से, कि मैंने बस स्टार्ट किया था म्यूज़िक करना, और मॉम को कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया था कि हाँ चलो मुझे अब कुछ करना है इसके ऊपर, मुझे रिकॉर्ड करना है। उनके पास कुछ कलाम थे, तो उन्होंने, मुझे याद है, एक लूप पे मैंने एक म्यूज़िक बना दी थी, और उन्होंने 10 मिनट तक आज रंग है एक ही टेक में गा दिया था। वाओ, क्या और वो टेक बेस्ट टेक था, और वो एल्बम में अभी तक है, और ये जो टेक है वो 4 साल पुराना है। क्या बात है। और मैंने वापस री रिकॉर्ड कभी नहीं किया, वो मैंने रिकॉर्ड बटन दबा दिया था, मैं बस पीछे देख रहा था कि कैसे गा रही थी, और जो झूम के गा रही थी वो कुछ और ही था। वहाँ से मुझे और इंस्पिरेशन मिली थी और गाने करने की, तो मैं बस जुट गया था, फिर मुझे पूरी एल्बम करनी है। क्या बात है। एक हमारी तरफ से जो एक कोशिश है कि हम उसको यंगस्टर्स तक और अवाम तक लेकर के जाएं, अमीर खुसरो को पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। क्या बात है। बहुत खुशी हो रही है कि माँ बेटे की टीम जो है आज एक सूफियाना रंग में एक नया एल्बम इन्होंने रिलीज किया। मैं आपको, हमारे सुनने वालों को बता दूं, ये एल्बम जरूर जाकर आप लीजिएगा, ये सोनी म्यूजिक ने रिलीज किया है, iTunes पर भी होगा ये। जी जी, सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, तो जरूर सुनिएगा। और अब मैं कविता जी आपसे दरखास्त करूंगा कि एक दो लाइन प्लीज आप ऐसे ही, जो कहते हैं फिल्मबदी उस एल्बम में जो आपने कुछ और गाया है वो हमें प्लीज हमारे सुनने वालों को, कारवाने गजल के जो सुनने वाले ना बहुत बेताब रहते हैं, मैं भी गाता रहता हूँ, लेकिन आज आपकी शाम है तो मैं चाहूंगा कि आप जरा गाएं। आज रंग है ए माँ रंग है री, आज रंग है ए माँ रंग है री, अरी अरी सखी मोरे महबूब के घर रंग है री, आज रंग है ए माँ रंग है री, आज रंग है। वाह वाह वाह। तो कारवाने गज़ल जो सुन रहे हैं, मैं हमारे जो सुनने वाले हैं, देखिए क्या आज खास महफिल हो गई। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लूँगा और आपको कुछ कलाम सुनाएंगे, तब तक के लिए। और याद दिला दूँ, मैं हूँ तलत अजीज़ और ये है कारवाने गज़ल 92.7 बिग एफएम पर। गजलों का काफिला चल निकला है, साथ चलिए और सुनते रहिए कारवाने गज़ल तलत अजीज़ के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।